नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। खजूर सर्दी का मेवा यूं ही नहीं कहलाता। औषधीय गुणों से भरपूर खजूर सर्दी में हमारे स्वास्थ्य की भरपूर देखभाल करता है। तो आइए आज जानते हैं खजूर के स्वास्थ्य के लिए 5 फायदे। 2 ग्लास पानी में 5 खजूर और 20 ग्राम काले चने रात भर भिगो दीजिए। सर्दियों में रोजाना सुबह खाली पेट ये भीगे हुए खजूर और काले चने खाने से बहुत तेजी से वजन बढ़ने लगता है। 1 ग्लास दूध में छोटे कटे हुए 5 खजूर, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर और 1 चुटकी इलायची पाउडर डालकर उबाल लीजिए। फिर इसमें 1 चम्मच घी मिला लीजिए। सर्दियों में इसे रोजाना रात को सोते समय पीना चाहिए। इससे बहुत ही जल्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाती है। 5 खजूर छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसमें 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चुटकी काला नमक और 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर मिक्सी में पीस लीजिए। खजूर की इस चटनी को भोजन के साथ रोजाना खाना चाहिए। इससे शीघ्र ही भूख खुलती है और भूख नहीं लगने का रोग ठीक हो जाता है। 3 खजूर, 10 मुनक्का और 5 बादाम रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह खजूर व मुनक्का के बीज निकाल दीजिए व बादाम छील लीजिए। फिर इनको मिक्सी में डालकर पीस लीजिए। अब 1 ग्लास दूध में यह मिश्रण और आवश्यकता अनुसार चीनी डालकर उबाल लीजिए। सर्दियों में रोजाना सुबह खाली पेट इसे गर्म ही पीना चाहिए। इससे शारीरिक शक्ति तेजी से बढ़ती है। 1 ग्लास दूध में बीज निकले हुए 6 खजूर डालकर उबाल लीजिए। जब यह दूध आधा रह जाए तब इसे गर्म ही पीना चाहिए। साथ ही ये खजूर भी खा लेने चाहिए। सर्दियों में इसे रोजाना रात को या सुबह सुबह पीने से निम्न रक्तचाप या लो बीपी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आप ये सभी घरेलू उपचार मेरी वेबसाइट jaipurthepinkcity.com से हिंदी में प्रिंट भी कर सकते हैं। हर सोमवार मेरे ब्यूटी टिप्स और घरेलू प्राकृतिक उपचार देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को प्री सब्सक्राइब कीजिए।